नब्रास्का के बारे में एंड हाउ इट्स अ यूनिक केस इन द यूएस इलेक्शन. लेकिन हमने आपको सारी तफसत नहीं बताई थी तो हमने सोचा क्यों ना इस स्टोरी की डिटेल आपसे शेयर की जाए बिल्कुल क्योंकि डिटेल्स इतनी इंटरेस्टिंग है उसको हाफ बेक रखना मुनासिब नहीं लगा तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम नाजिन को बताएं कि यह नाजीन इतना इंटरेस्टिंग फिनमिना है कि बाकी अमरीका की जो रियासतें हैं अमरीका इतना बड़ा मुल्क है तमाम रियासतों के जो इलेक्टोरल बोर्ड्स हैं वो जो वहाँ से जीता है उस उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाते हैं बट exactly. ये जो पर्टिकुलर रियासत है नेब्रास्का में है, उसके जो है वो स्प्लिट होते हैं तो आज हम आपको बताएंगे किमरीकी इत के बहुत ही अहम पहलु पर बात करने लगे हैं शहर जो नब्रासका रियासत में वाक़ है इस बार इंतखावार, इंतखावार में फैसला कौन किरदार अदा कर सकता है ये शहर नब्रासका के दूसरे कंवेशनल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स स्प्लिट कर देता है अगर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला बहुत ही खरीब हुआ तो ये एक वोट सदारती नतीजे कर सकता है बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और जो बड़ी क्योंकि जिस तरह के पॉपुलैरिटी पोल्स आ रहे हैं बहुत नेक टू नेक चल रहा है तो दिस स्टेट कैन बी यू नो मेक और ब्रेक फॉर विनर और द रनर अप तो राजी नब्रास्का का ये निज़ाम बहुत मुनफरद है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला के जो ज़्यादातर रियासतें तमाम तर जो रियासतें हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट एक ही उम्मीदवार को जाता है लेकिन जो नब्रास्का है उसके तीन कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्स हैं जिसमें हर एक को एक एक वोट देता है और इससे उमा की जो अहमियत है जो बहुत जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं वो इस इलाके पर ख़ास तो दे रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैमरा हेरिस ने जो अपनी कैम्पेन पे सिर्फ निब्रासका में 12 मिलियन डॉलर्स के इश्हारा पे उन्होंने खर्चा किया है एग्जैक्टली exactly, और नब्रासका के गवर्नर्स एक्चुअली इस बात को बहुत फ़ख्र का बायस समझते हैं कि उनकी रियासत में हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है और ये भी एक दिलचस्प बात है कि ट्रंप की कैंपेन ने इश्तहार पर तकरीबन कुछ भी खर्च नहीं किया है इसके बजाय उन्होंने रियासती असम्बली पर दबाव डालने की कोशिशों के लिए काफ़ी कुछ इंतज़ाम किया है और इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए भी बहुत कोशिशें है की हैं और तमाम वोट एक ही उम्मीदवार को ताकि जाए और उसको इनका भरपूर फायदा होगा लेकिन एक रिपब्लिकन सेनेटर की वजह से ये कोशिशें नाकाम हो रही है तो ऑबियसली उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है यहाँ yes, पे ये बात भी बहुत गौर तलब है कि अगर कमारा हारम मिड वेस्ट रियासतें जीत जाएं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर स्टेट्स तो ये एक वोट बहुत अहम हो जाएगा अगर कमला हैरिस ये वोट जीत जाए तो वो सदर बन जाएंगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतें तो इंतबात बराबर हो जाएंगे ऐसी सूरत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स सदर का फैसला करेगी जहां रिपब्लिकन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा बिकॉज इन दी अपर हाउस पिछले दस सालों में जो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एक समझो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जैसी बन गई इवन तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है बट डोनाल्ड ट्रंप ओवरवेलमिंगली उसको ओवर रूल करते हैं जो पूरे रिपब्लिकन्स के जो जो उनके सपोर्टर्स के जो इमोशंस हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल अगर आखिरी इलेक्शन भी उनका रियलिस्टिकली स्पीकिंग था और दिस इज बाई एवरी थिंग ऑज इन द लाइन और उन्होंने तो बहुत जान मारे हूँ अपनी कैंपेन में और अजीन हम आपको यहाँ बताएं कि एक गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि अगर कमेरा हैरिस जो तीन अहम मिडवेस्ट स्टेट्स हैं वहाँ से वो जीत जाएँ और डोनाल्ड ट्रंप यहां पे जो सदर्न स्टेट्स हैं वो जीत जाएं तो जो नेब्रास्का का एक वोट है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा वो जिस तरह कहते हैं ना गोल्डन पॉइंट जब definitely. जिस तरह टेनिस में ड्यूस हो जाता है तो एडवांटेज ये हो जाता है तो अगर ये वोट जीत जाएं तो वो सदर बन जाएंगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ जीते तो इंतबात बराबर हो जाएंगे और जब इंतबा बराबर हो जाए तो जो तो अपर हाउस है ऐसी सिचुएशन में जिसका हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिवस कहा जाता है वो सदर का फ़ैसला करेगी और जहाँ रिपब्लिकन्स को फ़ायदा है और जिस किस्म की कि इस वक्त अमेरिका में पोलर पोलराइजेशन है मुझे तो कतई तौर पर नहीं लगता कि वहाँ पर इवन दो अमेरिका में जो है डाइसेंट आप कर सकते हैं दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं बट